ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एटीएम मशीन काट कर लगभग 70 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त कार को बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। दिनांक 26 और 27 अगस्त के दरमियानी रात को बिलाई पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि जो होटको में SBI की दो ATM है उसको गैस कटर से काट करके उसमें से जो रकम है वो किसी ने चोरी करके ले गए हैं। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर फील्ड पे और साइबर इनपुट्स पे काम करना चालू किया था। इस कड़ी में हमको साइबर इनपुट से एक दो नंबर मिले थे जो सस्पेक्टेड थे, जो कि जो मेवात गैंग है उस तरफ जिनका ये चल रहा था, मतलब लोकेशन मिल रहा था। तो तत्काल एक टीम बना करके हमने मेवात हरियाणा भेजा था। वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो इसमें एक आरोपी है निसार खान, उसको वहाँ पे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। उसके पूछताछ में हमको पता चला कि 3 और आरोपी इस घटना में उसके साथ में थे। उसमें से एक और आरोपी शहबाज को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3 लाख रुपए और जो घटना में बालेनो कार जो प्रयुक्त हुई थी वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। दो आरोपी फरार हैं, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया बट वो लोग सकुनत से बाहर फरार हो गए थे। तो अभी लगातार हमारी टीमें उनको ट्रैक कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करें। खुर्सीपार में जो घटना हुई है उसके संबंध में कल हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वास्तविक घटनाक्रम उसमें का उल्लेख किया था। घटनाक्रम में यही है कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, छोटी सी बात को लेकर के उनके बीच में विवाद हुआ और फिर आपस में हाथापाई हो गई थी। हाथापाई के पश्चात जो विक्टिम है वो अपने घर जा गए और वहाँ उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल गए और फिर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें कई तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं। मैं यही अपील करूँगा सबसे कि भ्रामक खबरें, भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल ना करें। ये जो है ये कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसमें साथ साथ जो क्षेत्र की शांति व्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित होती है। तो मेरा सबसे यही मेरी यही अपील रहेगी कि भ्रामक खबरें और गलत खबरें प्रचारित ना करें। फैक्ट्स के बेस पे जो भी जानकारी है उन्हीं को सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाएँ।